वेलकम बैक, आ चुके हैं वापस हम ब्रेक से। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में ब्रेकफास्ट में आज नाश्ते में आज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं कार्बोनारा पास्ता। अमूमन आपने देखा होगा नाम, मसाला टीवी पे ही काफ़ी सारे हमारे जो शेफ्स हैं वो बना चुके हैं स्पेगेटी कार्बोनारा, यानी स्पेगेटी यूजुअली इसमें इस्तेमाल होती हैं और इसकी एक सफ़ेद रंग की सॉस होती है। लेकिन हम इसको स्पेगेटीज़ के साथ नहीं बनाएंगे, मैं इसको डिफरेंट किस्म के पास्ता के साथ बनाऊंगी। अक्सर लोग मैंने देखा है कि स्पेगेटी की वजह से जो है ना वो कांटे से खाना होता है, डिफरेंट तरीके से खाना होता है, तो इतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो जिन पास्ता के साथ मैं बना रही हूँ उसको आप फोक के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन उसको आप स्पून के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा, जो मैं आपको ब्रेक से पहले बता रही थी कि इसमें एक ऐसी चीज़ होगी जो आप कहेंगे कि इसकी सॉस हम नहीं खाएंगे, कच्चा अंडा। यस, कच्चा अंडा कुछ ऐसे डिज़र्ट्स भी होते हैं इसमें शामिल होता है, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। कच्चा समझे कि सेमी कच्चा वो अंडा होता है, लेकिन किस तरह से इसको बनाना है इसको मैं आप लोगों के टेस्ट बड्स के हिसाब से थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगी, वो मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ आपको बता दूं आप हमें कॉल्स कर सकती हैं, हमारे पास आपके लिए एनएक्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर भी है। आज के शो में आपने हमें ये बताना है कि दोस्ती की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और कोई सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपके लिए। यहाँ पे थोड़ा सा गार्लिक को मैं रोस्ट कर रही हूँ थोड़ी सी सर्विंग के लिए, इसको साइड पे ही रखेंगे, इसको मुझे ज़रा जलाना है सर्विंग के लिए। काम हम अपना करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि हम मक्खन में फ्राई करेंगे मीट को। कार्बोनारा पास्ता में क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो मीट हम इस्तेमाल करते हैं ना वो मार्बल्ड मीट होता है, यानी कि उसमें फ़ैट बहुत सारा होता है। वो अपने फ़ैट की वजह से बहुत मज़ेदार होता है। पूरी दुनिया में आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पे भी अब जो है वो इस तरह के मीट्स मिलने लगे हैं जिसमें हल्का हल्का बीच में फ़ैट होता है। तो ये मैंने बीफ लेके इस तरह से रखा हुआ है, डिफरेंट पेपरोनीज हैं इसमें, मार्बल किस्म का फ़ैट है। अगर आपको ये ना मिले नो प्रॉब्लम, जो बीफ का नॉर्मल जब भी आप कोई बोटी बनवाते हैं जो उसका वो वाला हिस्सा होता है जिसमें ज़्यादा चर्बी होती है उसका आपने इस्तेमाल करना है। सारा फ्लेवर कार्बोनारा पास्ता में चर्बी का यानी कि फैट का और चीज़ का आता है और ब्लैक पेपर का आता है। मक्खन में हम शामिल कर देंगे ये वाली वो वाला बीफ जिसमें थोड़ी सी चर्बी है, चॉप्ड गार्लिक का इस्तेमाल करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर। अच्छा, इसमें कोई लाल मिर्च हरी मिर्च शामिल नहीं होगी, इसमें सिर्फ काली मिर्च का ही फ्लेवर आप महसूस करेंगे। एंड अच्छा सा इसको चाहें तो इससे भी ज़्यादा छोटा छोटा सा आप इसको चॉप कर सकते हैं और बहुत ही मज़े का क्रीमी सी ये एक चीज़ बनती है। इट इज़ डिलिशियस, बहुत मज़े का होता है और इसके इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। अच्छा, इसमें जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है ना वो होती है पार्मेजान चीज़, लेकिन पार्मेजान चीज़ क्योंकि थोड़ी सी महंगी मिलती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, हो सकता है आपको उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा ना लगे। तो अगर आपको उसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसमें चेडर या मोज़रेला चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। इसी वजह से मैं जो रेसिपी आज बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ मोज़रेला चीज़ के साथ, लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें पार्मेजान चीज़ ही ऐड होती है। यहाँ पे हम इसको, गार्लिक की मुझे खुशबू आ रही है, काली मिर्चों की खुशबू आ रही है, यहाँ पे इसको इतना पकाएंगे कि खुशबू मज़े की आनी स्टार्ट हो जाए। गार्लिक को वो कलर आ गया है जो मैं चाहती थी, अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी, सर्विंग के लिए वो मुझे इस्तेमाल करना है। अच्छा, जो ओरिजिनल कार्बोनारा की रेसिपी है जो बहुत बड़े बड़े शेफ दुनिया में बनाते हैं उसमें वो क्रीम शामिल नहीं करते, उसमें वो इस स्टेज पे चूल्हा बंद कर देती हैं, उसमें पास्ता शामिल कर देती हैं और फिर उसमें कच्चा अंडा शामिल करते हैं, दैट्स जस्ट अबाउट इट। लेकिन परेशान हो जाएंगे आप लोग, सॉस नहीं है, हमें ज़रा सॉस ज़्यादा खाने की आदत है, इस वजह से मैं क्रीम शामिल कर रही हूँ। ओरिजिनल रेसिपी में क्रीम नहीं है। अगर आपको बहुत अंग्रेजी स्टाइल में खाना है तो आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं क्रीम को, लेकिन हम ज़रा इसको हमारे टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। वो वाला पास्ता जो आपको पसंद है, एनी पास्ता, मुझे पर्सनली ये बो वाला पास्ता इसलिए पसंद है कि इसमें ना जो भी आप ग्रेवी सॉस कुछ भी बना रहे हैं उसके अंदर स्टे करता है, दैट इज़ वाई आई लव दिस पास्ता, कि वो हर एक देसी टेस्ट बड होता है ना कि हर बाइट में आपको ग्रेवी फील होनी चाहिए। ये हमने अच्छा सा कर दिया सॉटे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन पाउडर थोड़ा, क्योंकि ये जो बीफ मैंने इस्तेमाल किया उसमें काफ़ी नमक होता है। चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं मोज़रेला का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें भी नमक ऑफ कोर्स हल्का सा होता है। मिक्स करेंगे, ये बहुत ही एक मज़ेदार चीज़ बनती है। मिस्टर शहजाद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या बना रही हैं आज? मैं आज बना रही हूँ स्पेगेटी कार्बोनारा। ये कोई अंग्रेजी किस्म की चीज़ है, इसको पूरा देसी कहते हैं। जी लग रहा है, वो थोड़ा सा देख रहे हैं ना। आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। जी आपका शो बहुत अच्छा है, मैं तकरीबन रोजाना ही देखती हूँ, अगर लाइट ना गई हुई हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगी दोस्ती के बारे में? दोस्ती आपके लिए क्या है, कौन है आपके बेस्ट फ्रेंड्स? मेरे बेस्ट फ्रेंड अभी तक तो कोई भी नहीं है, बचपन में हुआ करते थे, अब नहीं। अच्छा ये क्यों हो जाता है कि हम जब जिंदगी जब आगे बढ़ती है, अपनी फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, ठीक है मुझे लगता है वो एक टाइम होता है सबके लिए, मगर दोस्त नहीं खोने चाहिए, आप मिस करती हैं उनको बहुत ज्यादा? कभी अकेले में जब कभी बैठी हुई होती हूँ तो बहुत ज्यादा मिस करती हूँ मैं, कि बचपन का दौर बाकी में बहुत अच्छा था, है ना? मैं समझ सकती हूँ। आप इस वक्त अपनी कोई दोस्त को मैसेज देना चाहेंगी जिनकी सबसे ज्यादा याद आती हो आपको? जी बिल्कुल, मेरी जो दोस्त है उनका नाम भी महविश है, और मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि आई मिस यू लॉट, क्योंकि जब कभी मैं याद करती हूँ ना तो अपने बचपन के सारे दिन याद आ जाते हैं, हमारे स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, सब कुछ याद आ जाता है कि कितना खूबसूरत वक्त था वो। वाओ, अभी महविश कहाँ होती हैं बाय द वे? मैं कराची में ही हूँ। आप कराची में रहती हैं लेकिन आपकी फ्रेंड महविश कहाँ पे होती है? आई डोंट नो, क्योंकि शादी के बाद मुझे कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ चली गई हैं, वो भी मैरिड हैं, अब कहाँ हैं, कहाँ हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम ढूंढने की कोशिश की है आपने? नहीं, कोशिश की है एक दो दफा, लेकिन मतलब रास्ता नहीं हो पाया उनसे ना। ओह आई एम सॉरी, आई होप कि रास्ता हो जाए। उनके हस्बैंड का नाम पता है? क्योंकि फिर वो शादी के बाद नाम भी चेंज हो जाते हैं, तो वो हर किस्म के नाम से आप उनको ढूंढने की कोशिश करें पिक्चर्स में जूम कर करके। जी उनके हस्बैंड का नाम है काशिफ। आप आज ही करेंगे काम, मैं आपको अश्योरेंस से कहती हूँ कि अगर आप ये यकीन करेंगी ना कि आज मैं अपनी दोस्त को ढूंढ निकालूंगी, तो यकीन करें आप ढूंढ निकालेंगी। आप डिफरेंट नाम की स्पेलिंग ट्राई करें, और फिर अगर मिल गई ना फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, और आई रियली 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 होप कि आपको आपकी दोस्त जो है वो मिल जाए। हम तो जब एक ज़माने में ऑर्किड आया था उस वक्त भी मैं ढूंढना शुरू हो गई थी बचपन के दोस्त कहाँ गए। अच्छा यहाँ पर देखें कि ये मोज़रेला चीज़ जो है ना, ये बिल्कुल अच्छी सी पिघल गई है, इसके स्ट्रिंग्स भी आपको इस तरह से दिखाई दे रहे होंगे स्ट्रेच होते हुए। अब फ्लेम बंद करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है ये अंडा। आई नो आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, लेकिन इसकी बस हल्की सी इसको ये गर्माइश मिलेगी और यही मिलनी है। दिस इज़ हाउ कार्बोनारा पास्ता इज़ मेड। इस वक्त लोग दिल में सोच रहे होंगे क्यों खाएंगे हम कच्चा अंडा, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह की फीलिंग नहीं आती। फौरन ही मैंने फ्लेम तो ऑफ़ किया हुआ है, बिल्कुल ये फ्लेम ऑफ करने के बाद का ही स्टेप है, मगर हल्की सी गर्माइश से ये जो सॉस बनेगी ना ये बेसिकली हमें चाहिए। अच्छा अब मैं क्या करूँगी कि मैं एक लाइन लगाऊँगी इस पास्ता की इस तरह से कि ये एक साइड पर आए हमारी डिश में, ताकि हमें सर्विंग का यहाँ पर मार्जिन मिल जाए। ये हम सर्व कर रहे हैं हमारा मज़ेदार सा बहुत सारी ब्लैक पेपर वाला कार्बोनारा पास्ता। अंडा भी है, बीफ भी है, चीज़ भी है, काली मिर्चें भी हैं, पैक्ड है फ्लेवर से, और थोड़ा सा हम इसमें ये मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। इसमें हम सर्विंग के लिए लगाएंगे ये दो ड्राइड रेड चिलीज़। वैसे इसमें पार्मेजान का लुक आता है, फील आता है, मगर हम क्या करेंगे कि हम इसमें ये क्रम्बल्ड मेरे पास चीज़ बिस्किट है ये मैं ऐड कर दूंगी जस्ट फॉर द ब्यूटीफुल लुक। अभी हमारी कलर ब्रेकिंग नहीं हुई है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कलर ब्रेकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। सो कलर ब्रेकिंग का मतलब है कुछ ऐसा रंग जो आपको अलग से दिखाई दे। हरा रंग में शामिल करूँगी, लेकिन उस हरे रंग से पहले थोड़ा सा मैं रैंडमली हमारी ऑयस्टर सॉस, बिल्कुल रैंडम, ये हो गया। अच्छा अब हम ये करेंगे कि इस वक्त मेरे पास हरा धनिया अवेलेबल था, बट इफ़ यू हैव पार्सली आप इसमें पार्सली लगाइएगा, डिल भी लग सकता है, बट पार्सली सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। ये हम करेंगे बिल्कुल रैंडमली,
जो सर्विंग होती है ना खाने की, इट इज़ एन आर्ट, और आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं है, आर्ट का कोई रूल नहीं है सिवाय इसके कि वो अच्छा लगना चाहिए, करने वाले को मज़ा आना चाहिए, तो देखने वाले को जो है ना वो खुद ब खुद वो चीज़ अच्छी लगेगी। ये हो गया एंड बस। अच्छा, ये जो मैंने एक खूबसूरती की हुई थी, इसको हम करेंगे चॉप गार्लिक को यहाँ पे ऐड। देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना, दिखाई भी नहीं दे रहा, सो आई विल पुट इट लाइक दिस ताकि आप लोगों को दिखाई दे, समझ में आए। हमारा पास्ता कार्बोनारा हो चुका है तैयार। आई होप कि आप रेसिपी को ट्राई करेंगे। नाम अंग्रेजी है, काम बहुत देसी था, बहुत आसान था।